दोस्तों, विश्व कप जीतना हर टीम का सपना होता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक उत्साह और एक त्योहार के समान ही होता है। और दोस्तों, इंडिया में विश्व कप शुरू हो चुका है। आपको पता होगा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा त्योहार भी है। परंतु दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ और किसने कितने बार खिताब जीता है। आपको नहीं पता तो हमारी वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें। आपको पता हो जाएगा कि वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ और कौन देश कितनी बार चैंपियन बना है। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार 1975 में विश्व कप खेला गया था, परंतु उस टाइम उतना ग्लैमरस नहीं था। सफेद ड्रेस में 60 ओवरों वाला मैच खेलने के लिए टीमों की कमी भी थी। पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराकर जीता था और वेस्ट इंडीज को 9000 पाउंड की पुरस्कार राशि भी मिली थी। दोस्तों, दूसरा वर्ल्ड कप 1979 में वेस्ट इंडीज फिर से बना था चैंपियन। आपको बता दें कि क्रिकेट की दुनिया पर राज कहलाने वाले इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने 92 रनों से हराकर दूसरी बार विश्व विजेता बना था। दोस्तों, तीसरी बार वर्ल्ड कप 1983 में भारत बना था चैंपियन। आपको बता दें कि कपिल देव की नेतृत्व में भारत ने दिखाई थी ताकत। कपिल देव के करिश्माई खिलाड़ियों ने वह कर दिखाया था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। आपको बता दें कि फाइनल में भारतीय टीम 183 रन पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम ने जवाब में केवल 140 रन ही बना पाए थे। इसी के बाद भारत विश्व चैंपियन बना था। दोस्तों, चौथा मैच 1987 में ऑस्ट्रेलिया बना था विश्व चैंपियन। आपको बता दें कि इंग्लैंड से बाहर भारत और पाकिस्तान में यह वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर पहली बार चैंपियन बना था। दोस्तों, पांचवा विश्व कप 1992 में खेला गया था, उसमें पाकिस्तान चैंपियन बना था। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मेलबोर्न के मैदान में इंग्लैंड को 22 रनों से हराकर पहली बार पाकिस्तान विश्व चैंपियन बना। 1996 में श्रीलंका विश्व विजेता बना था। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया था, उसके बाद श्रीलंका विश्व विजेता बना। 1999 में ऑस्ट्रेलिया बना था विश्व चैंपियन। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फाइनल में 8 विकेट से हराया था, दूसरी बार विश्व विजेता बना था। शेन वॉर्न ने फाइनल में 4 विकेट लिए थे और पाकिस्तान की टीम 132 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 20 ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया था और विश्व विजेता बना था। दोस्तों, 2003 में विश्व विजेता फिर से बना ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में 125 रन से हराकर तीसरी बार अपने नाम खिताब हासिल किया था और पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था। दोस्तों, 2007 में फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया विश्व चैंपियन बना। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और जीतने की हैट्रिक भी पूरी की थी। दोस्तों, 2011 में भारत दूसरी बार बना विश्व चैंपियन। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दशक से क्रिकेट पर राज करने वाले सचिन का यह अंतिम विश्व कप था। उनका सपना उनके 6ठे विश्व कप में धोनी की कप्तानी में पूरा हुआ था। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर 6 विकेट से यह खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों, 2015 में ऑस्ट्रेलिया पांचवी बार फिर से विश्व विजेता बना। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था। दोस्तों, 2019 में इंग्लैंड बना था चैंपियन। दोस्तों, आपको बता दें कि यह विश्व कप काफी रोमांच भरा रहा था। इंग्लैंड को चौकों और छक्कों की मदद से ही विश्व विजेता घोषित किया गया था। इंग्लैंड ने पहला विश्व कप किस अंदाज में जीता।